उसी के साथ साथ अगर आपको भी मेरी तरह मैन बनाना है तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो सर्दियों में अपने बाल लंबे करना चाहते हैं। बाय द वे, हाय, माय नेम इज मोहित। मैं इस चैनल पे मेंस ग्रूमिंग, मेंस फैशन से रिलेटेड बात करता हूं। तो अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप और मैं मिलकर कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड में बताऊंगा कि आप कैसे अच्छी क्वालिटी की हेयर ग्रो कर सकते हैं और वो छोटे छोटे हैक्स जो आपको इस जर्नी को ईजी करने में हेल्प करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो ये कि हमें बाल बढ़ाने से पहले क्या उन्हें हर साइड से इक्वल लेंथ का कटवाना जरूरी है? तो नहीं, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप एक सर्टेन लेवल तक बाल लंबे करते हो उसके बाद से ये हेयर लेंथ का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा मिनिमल रह जाता है। तो इसलिए आपको बाल कटवाने की ज़रूरत नहीं है उन्हें ग्रो करने से पहले। पर अगर आपको लगता है कि आपको उन्हें इक्वल आउट करवाना है तो बिल्कुल आप उन्हें करवा सकते हैं। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि आप इस सीज़न को एक्सक्यूज़ मत बनने दें अपने हेयर ग्रोथ जर्नी को ना शुरू करने का। तो चलो हम चलते हैं अपने पहले स्टेप पे जो कि है लेट देम ग्रो। अब बिल्कुल सीधी चीज़ है, इसको घुमा के नहीं बोलूँगा। कैसी हेयर स्टाइल चाहिए, किस लेंथ की चाहिए, क्या लुक्स होने चाहिए, ये सब कुछ सोचने से पहले आप ये खुद से प्रॉमिस करो कि अगले 3 से 4 महीने आप बाल नहीं कटवाओगे। अब घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, अच्छा कैसे दिखूंगा, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सब एक फेज होता है जिसे हम ऑकवर्ड फेज कहते हैं। और ऑनेस्टली किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दिन रात बस यही सोचे कि वो आपको टीज कैसे करे जस्ट बिकॉज आप बाल लंबे कर रहे हो। तो आप इन सब रीजंस को एक्सक्यूज़ मत बनने दो, 3-4 महीने बाल लंबे करो। और अगर घर वाले मना कर रहे हैं तो मेरा नंबर ले लो, मेरी बात करवा देना। सॉरी ब्रो, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। बाय द वे, यू नो द ड्रिल बॉयज, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। तो चलो हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे जो कि है मैनेजिंग ऑकवर्ड स्टेज। अब आपने ठान ली है कि आप 3-4 महीने बाल नहीं कटवाओगे चाहे आप कितने बुरे दिख रहे हो, पर अब आपकी हेयर कट साइकिल एंड हो रही है। मतलब जितने टाइम में आप एक बार हेयर कट ले लेते हो, नॉर्मली लड़कों के लिए 3 weeks to 6 weeks होते हैं। इस ड्यूरेशन में आपको लगना लग जाएगा कि आप गंदे दिख रहे हो। ये वही टाइम है जब आपको खुद को रेजिस्ट करना है। इस स्टेज को हम कहते हैं ऑकवर्ड स्टेज। इस ऑकवर्ड स्टेज में 3 चीज़ें आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली हैं, बॉबी पिंस, बेनी कैप, जिगजैग हेयर बैंड। अब आप इन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो और आपके साइड के बाल जो फेस से बाहर निकल के आपका फेस डेफिनेशन ख़राब कर रहे हैं उन्हें सेटल करना चाहते हो तो यू कैन गो विद जिगजैग हेयर बैंड। वो आपके बालों को पीछे की तरफ पुश करेगा, आपके फेस को एक डेफिनेशन देगा। उसी के साथ साथ अगर आपको भी मेरी तरह मैन बन बनाना है तो वो आपके साइड के बालों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा जिसमें वो ग्रो हो सकें। पर अगर बाहर सर्दी थोड़ी ज़्यादा है और आपको फिर अपने बालों को मैनेज करना है तो आपको जिगजैग हेयर बैंड की जगह बॉबी पिंस का यूज़ करना पड़ेगा। आपके फेस से जितने भी बाल बाहर निकल रहे हैं उन्हें मैनेज करने के लिए आप बॉबी पिंस लगा लो, एंड फिर वो पिंस बाहर के लोगों को ना देखे तो आप पहन लो बिनी कैप। आप लगोगे बैड एस बउआ। ओके, चलो हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पे जो कि है हेयर केयर रूटीन। अब हेयर केयर रूटीन है, हिंदी में बोलूँ तो बालों का ध्यान रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हुई चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। पर इसका बेसिक आउटले मैं बताऊँ तो अच्छे से बालों को ऑयलिंग करना, शैम्पू कंडीशनिंग करना, बालों को ज़्यादा हीट प्रोवाइड नहीं करना, एक अच्छी डाइट लेना और बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, इससे आसान हेयर केयर रूटीन मिलेगा आपको। एक चीज़ जो आपकी हेयर ग्रोथ जर्नी को इंटरेस्टिंग बनाएगी वो ये कि आप कंसिस्टेंट बेसिस पे फोटोज़ लेते रहना, हर वीक, हर 2 वीक्स में फ़ोटोज़ क्लिक करते रहना। ये मोटिवेशन भी बनती है और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये था वो स्टेप बाय स्टेप गाइड कि आप इस सर्दियों में अपने बालों को कैसे लंबे कर सकते हो। इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। कोई भी डाउट्स है मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछो। अंटिल देन, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।